नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों देखिए, आज के दिन भी मार्केट ने सारा दिन उसी रेंज में बिता दिया जहां मार्केट ने कल बिताया था। अगर हम कल देखें तो कल 11:30 बजे के बाद मार्केट इसी रेंज में रहा। आज मार्केट गैप अप ओपन होता है, और ओपन कहाँ पर होता है, अपने रजिस्टेंस के आसपास, जहाँ मार्केट ने पहले रजिस्टेंस लिया हुआ था, जहाँ मार्केट ने कंसोलिडेशन करा था वहाँ ओपन हुआ, और वहाँ से फिर से उसके बाद उसी रेंज में आ जाता है, और सारा दिन मार्केट इसी रेंज में घूमता रह गया। अब कल के लिए दोस्तों, मार्केट ऊपर का ट्रेड देगा या नीचे का ट्रेड देगा ये तो अभी हम नहीं कह सकते, लेकिन हाँ हम प्लानिंग करके रख सकते हैं कि मार्केट अगर ऊपर के साइड में इस लेवल पर ओपन होता है तो मैं इस साइड का ट्रेड लूँगा, अगर मार्केट इस पॉइंट पर ओपन होता है तो यहाँ से मैं इस साइड का ट्रेड लूँगा। बस हम इतनी से एनालाइज करके रखते हैं और अपनी नज़र में रखते हैं कि मार्केट के लिए अगला सपोर्ट या अगला रेजिस्टेंस कहाँ पे होगा। अब देखिए, कल के सेशन में मार्केट अगर 43,000 से ऊपर ओपन होता है और यहाँ 5-10 मिनट रुकता है, यहाँ कुछ टाइम रुकने के बाद, आधा घंटा भी हो सकता है, 1 घंटा भी हो सकता है, यहाँ को रेंज बनाए उसके बाद उसे ऊपर की तरफ निकालेगा, तो हमारे लिए जो टारगेट निकल के आएगा वो होगा 43,355 के आसपास का, यानी कि आज जहाँ मार्केट ओपन हुई थी इसी के आसपास का हमारा टारगेट होगा। कब? जब मार्केट इस लेवल पर ओपन होगा, यहाँ कंसोलिडेशन करने के बाद ऊपर की तरफ निकलेगा, तो यहाँ कोई भी एक रेंज बनने देना दोस्तों इस पॉइंट पर आकर, उसके बाद हम ऊपर की तरफ ट्रेड देखेंगे। अगर मार्केट इस लेवल पर ओपन होता है यहाँ पर, तो यहाँ से हम फिर नीचे की तरफ ट्रेड देखेंगे, बस यहाँ को रेंज बनाए उसे नीचे की तरफ ब्रेकडाउन करेगा तो नीचे ट्रेड देखेंगे, जिससे मेरा टारगेट होगा 42,666 का। दोनों ही तरफ के मूव होंगे। अब देखिए, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझिए सपोर्ट रेजिस्टेंस का, इसे थोड़ा सा हटा देता हूँ मैं। हाँ, अब देखिए, मार्केट अगर कल के सेशन में यहाँ कहीं ओपन होता है और यहाँ से फिर से नीचे ब्रेक करेगा तो मैं बिल्कुल ट्रेड नहीं लगा रही हूँ, चाहे मार्केट यहाँ से इस तरीके से निकल जाए। ऐसे ही अगर मार्केट इस लेवल के आसपास ओपन होगा और यहाँ से ऊपर की तरफ निकलेगा वन वे, तो मैं ऊपर भी कोई ट्रेड करने वाला नहीं हूँ। कंडीशन मेरी ये होगी कि मार्केट इस पॉइंट के आसपास ओपन हो या रेंज बनाए कोई, उसके बाद उसे ऊपर निकालेगा तो 43,942,900 वाले के जो SL कटेंगे ऊपर की तरफ, तो मार्केट वहाँ से फास्ट मोमेंट में ऊपर जा सकती है, और जो हमारा टारगेट होगा वो इस लेवल के आसपास होगा जहाँ मार्केट आज ओपन हुई थी। नीचे की तरफ हमारा वही होगा, मार्केट इस लेवल पर ओपन हो, यहाँ रेंज बनाए और यहाँ से नीचे की तरफ निकलेगा तो नीचे की तरफ बेस्ट ट्रेड होगा, इस लेवल पर आकर नीचे की तरफ निकलेगा तो बेस्ट ट्रेड होगा, और इस लेवल पर आकर ऊपर की तरफ निकलेगा तो बेस्ट ट्रेड होगा। और देखिए, बिल्कुल ऐसा ही होगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। हो सकता है मार्केट यहाँ रेंज बनाए, कोई भी रेंज बनाए उसे फिर नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर दे, तो इस कंडीशन में मैं बहुत अपनी छोटी क्वांटिटी रखूँगा। देखिए दोस्तों, कल हमारा नया मंथ स्टार्ट हो रहा है, और कल के मंथ में कई सारे त्यौहार भी हैं, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, पैसा बचा के रखना। अगर सारा पैसा आपने शुरू के 1-2 दिन 2-4 दिन में ही गवा दिया तो घंटे का तुम त्यौहार मनाओगे दोस्तों। इसलिए मैं कहता हूँ कुछ दिन अपने पैसा बचा के रखना, ट्रेड समझ में आए तो करो, क्योंकि मार्केट ने पिछले 3-4 दिन में अच्छा प्रॉफिट दिया है। अब मार्केट भी बोल रहा है, भाई मैं इतने ऊपर से गिरता हुआ आ रहा हूँ, कुछ टाइम मुझे सस्टेन होने दो, रुकने दो, उसके बाद फिर मैं ट्रेड दूंगा। लेकिन हमें दोस्तों ऐसा करना ही हो नहीं होता, हमें तो खुजली है, बस ट्रेड लेना ही लेना है, रोज़ ट्रेड लेना है, रोज़ प्रॉफिट कमाना है। देखिए दोस्तों, मैं अपने हर वीडियो में बोलता हूँ कि यहाँ पर रोज़ पैसे कमाने वाला सिस्टम नहीं है, यहाँ पर सिस्टम है कि हो सकता है आप 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक बिल्कुल 0/0 रहो, या आपके छोटे मोटे लॉस भी होते रहें, लेकिन ये भी पॉसिबिलिटी है कि 11वें दिन आप ऐसा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो जो पिछले 10 दिन और आगे के 10 दिन सब कवर करके रख देंगे। तो बस हम उसी सेटअप का इंतजार करते रहते हैं कि कब मार्केट बेस्ट सेटअप बनाएगा और एक हम अच्छा ट्रेड लेंगे। चलिए फिर से एक बार बता देता हूँ कि कल के लिए क्या व्यू होगा। मार्केट अगर इस रेंज पर ओपन होगा, यहाँ रेंज बनाए कोई, उस रेंज को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा तो हम ऊपर की तरफ ट्रेड देखेंगे। इस लेवल पर ओपन होगा, यहाँ से नीचे निकलेगा तो नीचे की तरफ ट्रेड देखेंगे। अगर मार्केट ज़्यादा ही बड़ा गैप डाउन या गैप अप हो जाता है, मान लीजिए इस पॉइंट के आसपास ओपन हो जाता है, तो यहाँ से प्राइस एक्शन देखूंगा, मार्केट किस तरफ का प्राइस एक्शन बना रहा है। ऐसे ही अगर 400 के आसपास ओपन हो जाता है तो यहाँ से प्राइस एक्शन देखूंगा, यहाँ जल्दबाजी नहीं करूँगा। बेस्ट ट्रेड मेरे लिए यही होगा कि मार्केट यहाँ रेंज बनाए और यहाँ से ऊपर निकले, यहाँ इस पॉइंट पर रेंज बनाए, यहाँ से नीचे निकले, बस यही दो सेटअप रहेंगे कल के लिए। और दोस्तों, एक नज़र और बना के रखना इस ट्रेंड लाइन पर, यहाँ से अगर हम देखें तो इस ट्रेंड लाइन पे फोकस रखना। मार्केट इसी ट्रेंड लाइन के बाद पहले भी कंसोलिडेशन करा काफ़ी टाइम, यहाँ कंसोलिडेशन करा, उसके बाद इसी लाइन ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट लेता है मार्केट आके, अब वापस फिर से इसी ट्रेंड लाइन के पास आ गया है। तो ये 2-3 सेटअप हैं, मार्केट इस जगह पर आकर नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करेगा तो एक अच्छा सेटअप हमारे लिए बन सकता है।
चलिए देखते हैं मार्केट अब हमें कल कहाँ का ट्रेड देता है, या हो सकता है कल ट्रेड ना भी दे। पहला दिन है, हो सकता है कल की एक्सपायरी बोरिंग हो जाए, बोरिंग हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। आगे हमारी चार पांच एक्सपायरी और पड़ी है, वहाँ हम अच्छा ट्रेड जनरेट कर सकते हैं। बस फिर से रिक्वेस्ट है, कल अपने आप को बचा के रखना, ट्रेड समझ में आए तो करना, नहीं तो प्लीज़ जल्दबाजी को ट्रेड में ना करना। चलिए फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।